सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सचिन इन्फोटेक। सो होपफुली आप काफी अच्छे होंगे और ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार देते रहे। तो आज मैं बात करता हूँ कि 1975 का साइज जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था उसको हम कैसे आपको फिनिश करके देंगे। ओके, ये देखिए, ये आप गेस्ट रूम देख रहे हैं, है ना। गेस्ट रूम इसका साइज मैंने आपको बताया था 13x12 का। ये देखिए आपका होल एरिया। अब ये साइड में से देखिए बिल्कुल आपका स्टोर रूम है। अब हम जाएंगे आपके किचन की तरफ। किचन में देखिए मॉड्यूलर किचन भी काफी ऐसा, इससे भी काफी अच्छे भी आप करा सकते हैं। ये नॉर्मल लेवल पे है बट इससे भी काफी अच्छे प्यार से आप करा सकते हैं, इट्स अप टू यू टोटली। वेंटिलेशन आपका यहाँ पर, आप वॉशिंग मशीन एरिया भी यूज कर सकते हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे मास्टर बेडरूम में। उससे पहले ये देखिए अटैच्ड बाथरूम है इसमें आपका लगा हुआ। ये आपका मास्टर बेडरूम है, इसमें ये वुडन टाइल हम आपको यूज करके देंगे। और ये आप देखिए, ये देखिए आपकी वार्डरोब्स है। और ये देखिए आप मास्टर बेडरूम में हम आपको दे रहे हैं वुडन टाइल्स। अब हम चलते हैं आपका स्टेयर्स पे, मीन फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए ये साइड में आपने देखा होगा यहाँ पर पाइप्स लगे हुए हैं कुछ। ये आ रहा है आपका हॉल एरिया जो फर्स्ट फ्लोर पे है, जो कि लास्ट मैंने बताया भी था आपको 16x12 का है, 16x12 का। ये देखिए सामने हमने एक आपके लिए छोटा सा एक रूम दिया है, इसको स्टडी बोल सकते हो आप। हम जो इसको बोलते हैं पूजा रूम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसको आप इसको पूजा रूम मतलब बना सकते हैं। सामने दूसरा बेडरूम है आपका, अटैच्ड बाथरूम उसके साथ है। अब हम जाएंगे दूसरे मास्टर बेडरूम। ये देखिए बिल्कुल आपका वैसे ही दिया हुआ है जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अब ये देखिए, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये साइड में आपने देखी थी अभी बैल्कनी। अब हम चलते हैं कहाँ जाएंगे, आओ दिखाता हूँ। अब हम जाने वाले हैं आपके थर्ड बेडरूम में। कहाँ पे? थर्ड बेडरूम। चलिए चलिए चलिए, ये आ गए हम थर्ड बेडरूम में। ये देखिए इसका भी साइज काफी प्यारा है, लास्ट वीडियो में भी बताया मैंने, तो आपको लास्ट वीडियो तो देखनी पड़ेगी। देखिए ये इसमें अटैच बाथरूम इसमें भी अवेलेबल है। अब हम जाने वाले हैं कहाँ पे, दोबारा दिखाना पड़ेगा। ये देखिए अब हम जा रहे हैं बैल्कनी में। ओह शिट, इतनी प्यारी धूप, हाय हाय। ये देखिए सामने काम चल रहा है, यहाँ पे रोड पे यहाँ पर काम चल रहा है और धीरे धीरे सब चीज फिनिश होने वाली है। सो जल्दी कीजिए, जल्दी बिक जाएगा सब।